नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो फाइनली अभी अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक एवं इंटर का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है जारी कर दिया है, यानी कि जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटर का बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म जो है जारी कर दिया है। आप लोगों की कहाँ से और कैसे जो है मैट्रिक इंटर का एग्जामिनेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और कैसे जो है उस फॉर्म को स्टेप बाई स्टेप जो है आप लोग को भरना है, ताकि जो है आप लोग गलती करने से बच सके। अगर आप लोग कोई भी उसमें गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाद में जो है आप लोग की काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। ये स्टेप बाय स्टेप जो है मैट्रिक एवं इंटर का फॉर्म जो है डाउनलोड करके मैं दिखाने वाला हूँ और उस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग को मैं भर कर मैं दिखाने वाला हूँ और उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा सारा जानकारी जो इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके, हम सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सबसे पहले अपने फोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में लिखना है biharhelp.in लिखकर जो आप लोगों की सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, इस पर जो आप लोग को क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट को जो है टिक कर लेना है ताकि जो है ये फुल पेज में जो है यहाँ पर ओपन होगा। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर एजुकेशन कैटेगरी में जो है आप लोग को चलाना है, यानी कि यहाँ पर जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन कैटेगरी बिहार बोर्ड एग्जाम फॉर्म 2022 मैट्रिक एवं इंटर, इस पर जो आप लोग को सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप चाहे तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर पोस्ट किया गया है आप लोग आसानी से पढ़कर जो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद जो आप लोग को ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है और नीचे जो है आप लोग को आ जाना है। अब जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर अपडेट किया गया है। आप चाहे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा 10th एग्जाम फॉर्म डाउनलोड और यहाँ पर 12th एग्जाम फॉर्म डाउनलोड। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर अगर आप आर्ट से है तो इस पर क्लिक करना है, अगर आप साइंस से है तो इस पर क्लिक करना है, अगर आप कॉमर्स है तो इस पर क्लिक करना है, अगर आप मैट्रिक के छात्र एवं छात्राएं हैं तो यहाँ पर इस पर जो है क्लिक हेयर पर जो आप लोग को क्लिक करना है। तो अब चलिए मैं क्लिक हेयर पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 10th का जो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग को इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है, यहाँ पर मैट्रिक के इंटर आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों का जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एवं क्राइटेरिया जो यहाँ पर सारा का सारा एक ही है, लेकिन जो यहाँ पर सब्जेक्ट में जो यहाँ पर बदलाव किया गया है। यहाँ पर मैट्रिक में फिलअप होगा वही जो है आर्ट साइंस कॉमर्स में भी फिलअप होगा, लेकिन जो है सब्जेक्ट का जो है बदलाव है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो यहाँ पर देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप लोग कोई भी इसमें गलती करते तो आप लोग का जो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म जो यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पर देख सकते ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022, यानी कि यहाँ पर जो है आप लोग को यहाँ पर परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कि ब्लॉक लेटर में ही भरे, यानी कि जो भी आप लोग का इस फॉर्म को फिलअप करना है आप लोग को ABCD के बड़े अक्षर में ही फिलअप करना है। यहाँ पर हिंदी में जो है इस फॉर्म को फिलअप नहीं करना है और प्रत्येक शब्द के बीच जो है एक बॉक्स को जो है खाली रखे। जैसे में आप लोग का नाम है सोनू कुमार, जैसे इस बॉक्स में सोनू लिख देंगे यहाँ पर तो एक बॉक्स छोड़कर कुमार जो है आप लोग को लिखना है इस प्रकार से। पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट तो 5 सेकंड में डॉटनेट के साथ करो ना आउट, बस अपने सवाल का फोटो खींचो करो करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का हो, CBSE UP महाराष्ट्र या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से बढ़ भी IIT JEE नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डॉटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यही बात जो यहाँ पर बताया जा रहा है। और परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण केवल पंजीयन कार्ड यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड के ही अनुसार भरे। जैसे मैं आप लोग को मैं सुबह में वीडियो बनाकर जानकारी दिया हूँ कि सभी छात्र एवं छात्राओं का मैट्रिक इंटर का जो है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आ गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग को कहाँ से और कैसे जो है डाउनलोड करना है। आप लोग का स्कूल कॉलेज में जो है आज से वितरण शुरू हो गया, आप लोग अपने स्कूल कॉलेज से ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग का रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही इस फॉर्म को फिलअप करना है ताकि जो है किसी भी प्रकार से इसमें गलती ना हो। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर 1 नंबर में यहाँ पर देख सकते
सकते हो। वन नंबर में सबसे पहले जो 5 डिजिट का जो है अपना स्कूल का कोड जो है इस बॉक्स में अपना डाल देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिख रहा है उस प्रकार से जो आप लोग को कार्ड पर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस बॉक्स में सेम टू सेम फिलअप कर देना है। उसके बाद जो आप लोग को रजिस्ट्रेशन कार्ड पर स्कूल का नाम जो है देखने को मिल जाएगा। तो इंग्लिश में जो है इस बॉक्स में फिलअप कर देना है जिस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड पर होगा। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से जो यहाँ पर अनुसार यहाँ पर फिलअप करना है अपना अंग्रेजी में, यानी कि ABCD के बड़े अक्षर में जो इस बॉक्स में फिलअप करना है स्टूडेंट नेम यानी कि अपना नाम जो है डाल देना है। उसके बाद इस बॉक्स में अपना फादर्स का नाम जो है डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में अपना जेंडर जो है सेलेक्ट कर लेना। अगर आप मेल है तो इस पर टिक करेंगे, अगर आप फीमेल है तो इस पर टिक करेंगे, अगर आप ट्रांसजेंडर है तो इस पर क्लिक करेंगे यानी कि इस पर जो आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर कास्ट कैटेगरी जो आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जनरल से है तो इस पर टिक करेंगे, अगर आप EBC है तो इस पर टिक करेंगे, अगर आप BC है तो इस पर टिक करेंगे, अगर आप SC है तो इस पर, अगर आप ST है तो इस पर, यानी कि इस प्रकार से जो है आप लोग का जो भी कास्ट कैटेगरी होगा यहाँ पर अपना टिक कर देना। उसके बाद जैसे आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा डिफरेंटली अपलेट जो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है। अगर आप लोग विकलांग है तो आपको जो है यस करना है, अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पर नो पर टिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पर जो है आप लोग को मोबाइल नंबर यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप करना यहाँ पर कंपल्सरी है। उसके बाद 11 नंबर में यहाँ पर आधार नंबर जो है इस बॉक्स में फिलअप करना जो यहाँ पर कंपल्सरी जो यहाँ पर नहीं बताया गया, यहाँ पर नोट कंपल्सरी जो है दिया गया, आप चाहें तो इस बॉक्स में फिलअप कर सकते हैं। फिलअप कर देंगे तो आपके लिए जो है बेटर रहेगा कि आप लोग जो है DigiLocker से जो है आप लोग अपना मार्कशीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग आधार नंबर दे देंगे तो। उसके बाद जो यहाँ पर email ID जो इस बॉक्स में डालना कंपलसरी है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग का स्टूडेंट कैटेगरी यानी कि जो यहाँ पर आप रेगुलर से है तो इस पर टिक कीजिएगा, अगर आप प्राइवेट से है तो इस पर टिक कीजिएगा, अगर आप एक्स स्टूडेंट है तो इस पर आप टिक कीजिएगा यानी कि अपना हिसाब से जो है मैक्सिमम जो यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर रेगुलर से ही होंगे तो यहाँ पर आप लोग को रेगुलर पर ही टिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को 14 नंबर में देखने को मिल जाएगा जैसे मैं देख सकते हैं पूर्ववर्ती या कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी एवं बेटरमेंट समुद्र कोटि के छात्र छात्रा निम्नलिखित विवरण भरे यानी कि जो भी छात्र एवं छात्राओं ने कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर पास किए तो यहाँ पर रोल कोड डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद जो है आप लोग किस ईयर में पास किए यहाँ पर अपना ईयर जो है डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर अपना हिसाब से जो है अपना अनुसार जो भी आप लोग का सब्जेक्ट होगा यहाँ पर अपना सब्जेक्ट जो भी जैसे मैं मान गया कि आपका हिंदी है तो इस पर टिक कीजिएगा, उसके बाद संस्कृत है तो इस पर टिक कीजिएगा, मैथमेटिक्स है तो इस पर टिक कीजिएगा, अगर आपका साइंस है तो इस पर टिक कीजिएगा, उसके बाद सोशल साइंस रखे हैं तो इस पर टिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश है तो इस पर टिक कीजिएगा यानी कि मैक्सिमम जो है छात्र एवं छात्राओं ने यानी कि 6 सब्जेक्ट जो है रखते हैं अधिकतम छात्र एवं छात्राओं यानी कि जो भी आप लोग का सब्जेक्ट होगा यहाँ पर जो इस प्रकार से आप लोग को टिक कर देना है। और उसके बाद जो भी आप लोग का एडिशनल सब्जेक्ट होगा इसमें जो आप लोग को टिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा 15 नंबर में जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस कंपल्सरी इन इंग्लिश यानी कि जो यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश में जो है अपना पूरे पता जो यहाँ पर डाल देना है यानी कि पूरे एड्रेस जो है फुल में जो यहाँ पर आप लोग को डाल देना है। उसके बाद अपने बाद यहाँ पर अपने एरिया का 6 डिजिट का पिन कोड जो इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद जैसे आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर जो है मेरे द्वारा परीक्षा आवेदन में भरा गया सब्जेक्ट अभी विवरण जो है सही है, अगर सही है तो इसमें जो है आप लोग हिंदी में सिग्नेचर करेंगे, इसमें इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे, इस बॉक्स में अपना गार्जियंस यानी कि पेरेंट्स जो यहाँ पर आप लोग सिग्नेचर करवाएंगे, उसके बाद इस बॉक्स में प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाकर अपने स्कूल कॉलेज में जो है जमा करा देना है। अपना एक फोटो जो है आप लोग को लगाना होगा कलर में, यहाँ पर देख सकते हैं साइज जो है 3.5 cm × जो यहाँ पर 3.0 cm जो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग को जो यहाँ पर कलर फोटोग्राफ जो यहाँ पर पासपोर्ट साइज जो है लगाना है। उसके बाद जो है इस बॉक्स में जो है आप लोग को सिग्नेचर कर देना है और आप लोग जो है अपने स्कूल कॉलेज में जो है इस फॉर्म को जो है जमा कर देना है। आपका जो यहाँ पर अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है जिस प्रकार से मैं बताया हूँ अगर आप लोग इस प्रकार से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जो यहाँ पर मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका फॉर्म जो यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर एक शिफ्ट हो जाएगा अगर आप लोग इस प्रकार से फॉर्म फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हो गया यहाँ पर ये प्रक्रिया। अगर आप आर्ट साइंस कॉमर्स है तो आप लोग का जो है सेम जो है इसी प्रकार से जो आप लोग को फिलअप करना है, लेकिन जो है आप लोग का सब्जेक्ट में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। आर्ट साइंस कॉमर्स में अलग सब्जेक्ट रहता है, मैट्रिक में अलग सब्जेक्ट रहता है, तो आप लोग को सब्जेक्ट अपने अनुसार जो है च्वाइस कर लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।